चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही ट्रेंडिंग रहा हो। आई होप आप सबने पैसे कमाए होंगे, हमने भी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट किया है। तो ये प्रॉफिट की बात रहने देते हैं हम थोड़ी देर साथ में। आज हम इस ऐसे एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर सुनने की हिम्मत होना तभी सुनना। तो दोस्तों, एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब छोटा बच्चा चलता है ना, वो चलने के टाइम बार बार गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से चलने लगता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? तो दोस्तों, मुझे काफी सारे ऐसे फोन आ रहे हैं, मुझे उनसे उनको क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। काफी लोगों ने मुझे ये इस तरह मुझे परेशान किया है। परेशान मतलब मैं आपको क्या कहूँ, वो मुझे सिर्फ फोन करके मुझे कहते हैं, सर मुझे बहुत सारा लॉस हो गया है, सर मुझे घर से बेघर कर दिया है, सर मैं अपने पैरों पर फिर से कैसे खड़ा हूँ, सर मुझे कर्जा बहुत हो गया है। मैं सुन सुनकर इतना थका है, इतना पक गया हूं ना। अरे कोई तो होगा जिसे प्रॉफिट हुआ होगा, कोई तो होगा, एक बंदा तो, किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। सब ने मुझे लॉस 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 कहकर मुझे अपना दिमाग मेरा हिला दिया। तो दोस्तों, मैं आप पर नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बड़ा सपने निकलना चाहता हूँ, एक आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देना चाहता हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। लॉस होता है तो क्या होता है, अगर जब आप लॉस करोगे नहीं तो प्रॉफिट कब करोगे? अरे लॉस होने तो ना, लॉस होगा तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। लॉस की जो कीमत है उसकी वैल्यू समझो आप। लॉस हर एक बंदे को प्रॉफिट नहीं होता, हर एक को लॉस होता है। अरे मुझे एक दिन में 6 लाख लॉस हुआ, बोलो 6 लाख लॉस जब हुआ था ना, 2 दिन में खाना नहीं खाया था, फिर से खड़ा हुआ ना अपने पैरों पर। लॉस होगा आपको, लॉस होगा आपको, एक ऐसा एक सर्कस है, आपको यहां से गिर के फिर से खड़ा होना है, आपकी लाइफ है ये। किसी छोटे बच्चे का खेल नहीं कि चलो आज हार गए कल जीतेंगे, चलो आज हार गए कल जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ साइकोलॉजी आपकी मेंटेन करने होगी, आपका माइंडसेट आपको मेंटेन करना होगा। लॉस होने दो, लॉस होने से कोई कुछ नहीं होता। आप गिरोगे नहीं तब चलने की वैल्यू कब समझोगे? गिरोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन क्यों गिरे, कहां पर गिरे, स्पीड ब्रेकर था, कहीं से टकरा गए, ये समझो ना, एनालिसिस करो। लॉस होता है, सबको होता है, मालूम है मुझे। लॉस होने से कोई छोटा या बड़ा ट्रेडर नहीं होता। बड़े ट्रेडर को भी लॉस होता है, छोटे ट्रेडर को भी लॉस होता है, लेकिन बड़े ट्रेडर को लॉस कितना होता है उनकी कैपेसिटी मालूम होती है, लेकिन छोटे ट्रेडर जो बिगनर होते हैं, रिटेल होते हैं, उनको लॉस की वैल्यू नहीं पता होती। लॉस क्यों हो रहा है वो जानते नहीं, उसका एनालिसिस भी नहीं करते। समझो लॉस क्यों हो रहा है उससे समझो। आप बार बार ऐसे रोने लगोगे ना, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको कहता हूं, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे जो भी आपके लॉस हुए ना उसे पीछे छोड़ो, एक अच्छे माइंड के साथ गेम में उतरो, गेम को समझो, फिर से आपको वो सब जो आपको लॉस जिस चीज से हुआ है ना उसका एनालिसिस करके बाद में आप फिर से प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर लॉस 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 बोल के आप अगर बैठे रहोगे ऐसे ही, किसी ने तो मुझे कहा सर मुझे लॉस हुआ है, मैं अभी ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, मेरा जितना करियर है वो सब बर्बाद हो गया, मेरे पैसे सब लुट गए। अरे लुट गए ना, आपने लुटवा दिया इसलिए लुट गए। कोई किसी ने कहा था क्या आपको? आपको कहा था क्या 5,000 आप अपना लॉस जब 5,000 था तब आप अपना ट्रेड कट कर सकते थे ना? 5,000 का लॉस अगर 5,000 होता है तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। इसी गलतियां कम करने, इसी गलती के साथ आप सीखो ना, ऐसी गलतियां क्यों हो रही है, लॉस मुझे ज्यादा क्यों हो रहा है। आप अपने खुद के लॉस की वजह खुद हो आप, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर जो लोग मुझे कहते ना मैं अभी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मुझसे नहीं और हो पा रहा है, वो मुझे ऐसे लोगों से घिन आ रही है अभी। अरे अपने लाइफ में अगर आपने कुछ पाने की कोशिश की ना, उसे शिद्दत से निभाओ, आप ईमानदारी से अपना काम करते जाओ। बीच में ऐसे छोड़ोगे ना लाइफ में, अभी कुछ आप ये काम कर नहीं पाओगे तो बाकी कुछ काम नहीं कर पाओगे, लाइफ में कभी आगे नहीं पढ़ोगे। लाइफ में आपको एक जिद्दी आदमी की तरह काम करना पड़ता है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह ढूंढो, एक 2-4 महीने गैप लो, समझो मार्केट को, फिर से मार्केट में आओ। आपको अगर लॉस 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 लोग आप रोते रहोगे तो प्रॉफिट के लिए आप कभी नहीं तैयार होगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, थोड़ा अपने माइंड, मेरा भी दिमाग घूम रहा है। मैं इतने लोगों का फोन मुझे आ रहा है, इतने लोगों को मैं हर एक को बता रहा हूँ कि भैया आपको लॉस होगा। लॉस होने से कोई बड़ा ट्रेडर छोटा ट्रेडर नहीं होता, लॉस होगा। आप सिर्फ लॉस क्यों रहा उसको समझो, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, माइंडसेट कैसा है, आपको कुछ आता ही नहीं, एनालिसिस खुद से करो ना। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दे सकता। मेरा अगर कोर्स होता ना, मैं आपको बोलता कि मेरा कोर्स कर लीजिए, 5,000 मेरी फी है, आप कोर्स कर लीजिए, आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ऐसा मेरा कोई कोर्स है क्या? नहीं, कोर्स मुझे कोर्स बेचना होता ना, मैं पहले वीडियो से आपको बताता था कि मेरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसे क्लिक करो, ट्रेडिंग करना सीख जाओ। ट्रेडिंग कभी कोर्स किसी कोर्स करने से ट्रेडिंग नहीं होती,
मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं ना सर, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, प्राइसेशन इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी कुछ नहीं ना घंटा, आप लोग क्या मालूम है साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ को आपको पता ही नहीं। जब आप लॉस करोगे ना तब आपको खुद पता चलेगा साइकोलॉजी आपकी कैसे क्या होगी। स्ट्रेटेजी की वजह से सिर्फ नुकसान होता है और साइकोलॉजी की वजह से नुकसान बड़ा होता है। समझ में आए कुछ बात? जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना उनको मैं एक बता देना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी, हाँ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होती क्या? लॉस नहीं होता क्या? लॉस होता है, उसमें कम लॉस होता है, लेकिन साइकोलॉजी आपकी अगर बेटर हो तो आज कम लॉस में आप निकल सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं, माइंडसेट ठीक नहीं है, रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो छोटे लॉस को बड़ा करोगे या नहीं करोगे? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, लॉस हो रहा है तो आप समझ लीजिए, खुद थोड़ा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद आप एनालिसिस कीजिए, जनरल मेंटेन कीजिए। मैं आपको, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ जनरल मेंटेन कीजिए, लॉस क्यों हो रहा है उसके रीजन लिखिए, इससे आपको रिवाइज होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं। मैं आपको चीज बता देता हूँ, आप अगर ऐसे हार मान के थक के बैठे रह जाओगे तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले ने हमें डायरेक्ट वॉर जोन में भेजा है, वॉर जोन, यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं रुकता भाई। आप रुक गए ना, आपको पीछे छोड़ के आपके ऊपर पैर दे के ना आदमी भाग जाएंगे आपसे, आप रुको। फिर ऊपर वाले ने डायरेक्ट हमें वॉर जोन पे भेजा है, यहाँ पर रुकना मना है, यहाँ पर आप रुक गए ना लाइफ टाइम रुकोगे ही रुकोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोग आज आपको ज्ञान देते हैं ना उनकी सुनिए, लेकिन जो करना है अपने मन से कीजिए, आपकी मेंटेलिटी खुद की बनाइए, ना कि लोगों की सुनकर। जो अच्छा लगे करिए, पैशन रखिए खुद में कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ मेरे से कुछ भी हो सकता है। आप अगर ऐसा हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे ना, बैठे रह जाओगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। ये वार जो है कलयुग है, कलयुग, यहाँ पर कोई किसी के नहीं रुकता है, सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे। आपका भी अगर कोई पैर खींच रहा है तो आप उनको लात मार के आगे जाने की आप में क्षमता होनी चाहिए, ना कि पैर खींच रहा है तो आप पैर खींचने दोगे, आपका खुद गिर जाओगे, वो फिर के पैर खींच के आपके ऊपर पैर दे के चला जाएगा। ये खुद का इमोशनल एक्सपीरियंस आपको, मैं ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने खुद समझा है, खुद को मैंने खुद आप लोगों को समझाया, लोगों को देखा है, लोगों ने किस टाइम लोगों ने मेरा साथ दिया, किस टाइम लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब अच्छा होता है ना सब अच्छा गुणगाने आपके लिए आ जाते हैं, लेकिन जब बुरा होता है ना कोई किसी के लिए नहीं रुकता, आपको सिर्फ गालियां देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। जब मैंने 6 लाख क्रॉस किया था तब मुझे सिर्फ अकेला बैठा था मैं 2 दिन, किसी ने मुझे बात नहीं की। बाद में जब मैंने लोगों को समझाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो लोगों ने मुझे पागल बना दिया था, अरे बंदा पागल हो गया, ये खुद अपना अपना 6 लाख लॉस किया, अभी घर बिकवाएगा। आज उनको जो मैं हूं ना, उनको अभी एक जन सब लोगों का मुंह अभी बंद है, क्यों बंद है? मैं भी अगर लॉस हो रहा हूँ, मैं भी हाथ पर हाथ बैठे रहता, हाथ पर हाथ देके, तो अभी मैं किसी कोने में खड़ा रहता ना, कोई मुझे पूछता भी नहीं। लेकिन आज जब भी मैं जहां भी जाता हूँ ना, मुझे लोग पूछते हैं, अरे भाई आ गया वो बंदा, शेयर मार्केट किंग, शेयर मार्केट, मतलब मैं जहां जाता हूँ वहां शेयर मार्केट की बातें करने चालू होती। मेरे यहाँ किसी को मालूम नहीं शेयर मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने खुद से सीखा है, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद से सीखा है, खुद से एनालिसिस किया, खुद से प्रैक्टिस की, खुद से लॉस किया, लॉस होने के बाद मेरे साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट जो भी था मैंने मेंटेन किया, उसको बढ़ाया, डेवलप किया। बाद में जब सब नॉर्मल हुआ तब लोगों के मुंह बंद हुए। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आपको आपको भी लॉस हुआ है मार्केट में, आपको भी शेयर मार्केट जुआ लगता है, तो पहले आपने लॉस क्यों किया वो देखिए, अपने साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट क्या है, वैसे आप आदमी कैसे हो, पहले खुद को इम्प्रूवमेंट लाए, खुद में अपने जो स्किल है खुद की उसे इम्प्रूव कीजिए। आप आदमी कैसे हो, आप आदमी जैसे वैसे ही आप मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। आप अगर आदमी अच्छे हो तो आपका अच्छा रिवॉर्ड देगी, आप अगर आदमी बुरे हो तो आपको बुरा रिवॉर्ड देगी। आप अगर गुस्से वाले हो तो रिवर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस ही होगा ना। यहाँ पर डिसिप्लिन, पेशेंस से ही काम करेगा, जिसको जिम्मेदारियों का एहसास है, जिसको खुद का गोल मालूम है, जिसको खुद की मंजिल मालूम है, वही यहाँ पर आगे बढ़ेगी। अगर आपकी मंजिल कोई नहीं ना, आप यहाँ पर आपके अगर आपकी खुद की कोई मंजिल नहीं ना, आपके जीने मरने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग को लाइफ में गोल, आपकी मंजिल तय कर लेनी चाहिए, बिना मंजिल के जीने वालों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं।
जिसके भी बिना मंजिल यहाँ पर कोई जी रहा है, बिना जिसको लाइफ में आगे क्या करना है उसे मालूम नहीं ना, उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आप जीरो जीरो। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी मंजिल चुन चुन लेनी चाहिए, आपको अपना गोल मालूम होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं समझना चाह रहे, देखो आजू बाजू क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए कहाँ से कैसे टैलेंटेड इतने हो रहे ना, आप क्यों पीछे हो, आप क्यों रो रहे हो, रो के बर्बाद क्यों रहे। अगर आप रोगे आपके आने वाली पीढ़ी आपसे क्या सीखेगी, हार मान जाएगी आपको देख के, आप खुद इतना डिमोटिवेट हो रहे हो तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। ये जो मैं आपको बताऊ ना, ये मेरा गुस्सा आप समझे, मेरा गुस्सा है, लेकिन इसे इसे मन पर मत लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भावनाओं को समझिए सिर्फ मेरे। इंसानियत इंसानियत सिर्फ बताने के लिए मैं क्या कहूँ, अभी मैं ज्यादा इमोशनल हो चुका हूँ, अभी मैं ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर बड़ा ज्ञान देने नहीं आया, लेकिन सिर्फ मेरे मन में जो भी था मैंने आपको सिर्फ बताया। काफी मेरे शब्द यहाँ पर थोड़े गलत गए होंगे तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे बताने का तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे जो बताना है ना मैंने वो बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी है अपना गोल सेट कीजिए, अपना जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो ना, वहाँ के एक मंजिल, वहाँ का आपका एक गोल फिट कीजिए, आप डिसिप्लिन बनिए, जिम्मेदार आदमी बनिए, रोते मत बैठिए, आने वाला कल बहुत सुनहरा है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एक बार हार गए तो दूसरी बार खड़े होकर फिर से एक बार कोशिश कीजिए, हारने से ही प्रैक्टिस होगी, हारने से ही आप बेहतर हो जाओगे, इम्प्रूवमेंट आएगी आप में। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब इतना ही था कि हार मत मानिए। जो सिकंदर मालूम है आपको, सिकंदर एक अकेला आदमी ने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसके पीछे सिर्फ कुछ गिने चुने उसके जो सैनिक थे, सिर्फ गिने चुने थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया ना, एक एक देश को वो हराता गया, वैसे वैसे उसकी जो सैनिक की फौज है वो बढ़ती गई, और एक दिन उसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआत थी उसकी बहुत ही छोटी, लेकिन उसका एंड था बहुत ही खतरनाक। ऐसा है क्या जाने कब किसकी जिंदगी पलट जाए। सिर्फ हार मत मानिए अपने लाइफ में, जो भी करना है करते रहिए। हाँ, यहाँ पर हार जो मानेगा वो पीछे रहेगा, जो हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ेगा वही यहाँ पर जीतेगा। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, जो अभी आपको बड़ा बुरा कहेंगे, आप जो भी जिस फील्ड में काम करते हो उसमें आपको बड़ा बुरा कहने वाले लोग बहुत रहेंगे, लेकिन खुद से खुद की सुनिए, यहाँ से खुद से बढ़कर दुर्रम खान यहाँ कोई नहीं है, आपको सिर्फ लोग पैर खींचने के लिए यहाँ पर। अच्छा होगा तो अच्छा भी कहेंगे, बुरा होगा तो उससे ज्यादा बुरा कहेंगे। खुद से खुद पर यहाँ पर विश्वास रखें, खुद के दिल पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस लाइए खुद में, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरे विशेष आपके साथ हमेशा के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के अगले विषय में।